The resistance of meter bridge AB in given figure is 4 ohm with a sale of EMF 0.5 volt and rheostat resistance 2 ohm. The null point is obtained at some point J. When the sale is replaced by another one of EMF E2, the null point J is found for RH is equal to 6 ohm. The EMF E2 is okay. तो यहाँ पे देखो दोनों केस में null point सेम है, सिर्फ rheostat का resistance change किया. अभी rheostat change किया मतलब हम लोगों ने potential gradient change किया. तो potential gradient का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले लिखेंगे हम लोग. Potential gradient का फॉर्मूला क्या है? K is equal to E divided by R plus RH into ये आ जाएगा R divided by L. तो फर्स्ट केस में देखो कि आपको जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या मिलेगा. E कितना दिया है 6 वोल्ट. रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया है उसने 4 ओम ना. हाँ, रेओस्टैट का रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 into 4 डिवाइड बाय लेंथ कितना है L, वो तो दिया नहीं है. तो ये 6 कैंसिल होगा. K1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय L. दिस इज द वैल्यू ऑफ K1 इन फर्स्ट केस. सेकेंड केस में क्या दिया है देखो, रेओस्टैट का वैल्यू उसने 6 ओम दिया. तो K2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा E कितना 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय L. तो ये K2 का वैल्यू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 10 L, राइट. तो ये आ गया K2 का वैल्यू. तो K1 K2 का वैल्यू यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्या दिया है देखो, विथ अ सेल ऑफ EMF 0.5 वोल्ट the null point is obtained at some point J. तो जब E1 is equal to K1 into क्या आ जाएगा L. E1 कितना दिया है 0.5. तो 0.5 is equal to K1 into L आ जाएगा. तो फिर ये L का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर K1 divided by 2, equation number 1. सेकेंड केस में E2 पता नहीं कितना है. E2 is equal to क्या आ जाएगा K2 into L. तो E2 इज इक्वल टू K कितना है 24 बाई 10L मतलब 12 डिवाइडेड बाई 5L, 5 कैपिटल L इनटू क्या आ जाएगा ये स्मॉल L. तो अच्छा ये K2 को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, बाद में रखेंगे दोनों के केस में. ये K2 आ जाएगा. तो इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा K2L डिवाइडेड बाय, अच्छा ये एक मिनट, हाँ L क्या है K1 बाई 2 है, राइट. तो K2 का वैल्यू देखो कितना मिला हमें 24 डिवाइडेड बाई 10L इंटू K1 का वैल्यू कितना मिला है. अच्छा ये सही किया है क्या हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1? नहीं, इक्वेशन नंबर 1 ही गलत किया ना हम लोगों ने यहाँ पर. वेट, वही तो मुझे लगा. ये क्या है 1 बाई 2. L का वैल्यू क्या है 1 बाई 2 K1 है. अभी पुट करो तो ये आएगा 1 बाई 2 K1. तो K2 का वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई 10L इंटू 1 बाई 2. K1 कितना है 4 बाई L. L चला गया. 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24. तो ये आ जाएगा 3 बाई 10 इज 0.3 वोल्ट. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट.